लोटस टेम्पल आने के बाद नूर मिलता है, सभी दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलता है। हाय दोस्तों, मैं संतोष कुमार। यह कालकाजी मेट्रो स्टेशन है। लोटस टेम्पल आने के लिए सबसे पहले आप कालकाजी मेट्रो स्टेशन उतरेंगे अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो, और उतार के मेट्रो से वहाँ से 150 मीटर आगे लोटस टेम्पल का मेन गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं। यह लोटस टेम्पल का मेन गेट है, यहीं से लोग एंट्री करते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत सख्त है। वहाँ पर खाने पीने के कोई भी चीज़ या वस्तु अंदर नहीं ले जाने देते हैं। कैमरा के जैसे ट्राइपॉड हो गए, बड़े वाले हैं तो नहीं ले जाने देंगे। बैग हो गए, ये चीज़ सब पहले जमा करना पड़ते हैं या बाहर कहीं और रख कर के आ सकते हैं। इस गेट के बिल्कुल सामने पार्किंग है। लोटस टेम्पल के दोनों साइड और फ्रंट सामने में स्पेस है, जो पार्क बना हुआ है उस पार्क को बहुत ही मेंटेनेंस के साथ रखा जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग, सिंचाई और इस तरीके से करते हैं ताकि पर्यटन आए तो उनको देखने में बहुत ही अच्छा लगे। लोटस टेम्पल सप्ताह में 6 दिन खुला होता है और मंडे को बंद होता है। खुलने का समय है सुबह 11 AM से लेकर के 5 PM तक, उसके बाद एंट्री बंद हो जाता है। लोटस टेम्पल के अंदर जाने के लिए लोग यहां से ऊपर चढ़ते हैं, फिर ऊपर चढ़ कर के आगे सामने थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद लेफ्ट में ऊपर से ही गेट के पास जाने के लिए लाइन आती है, उस लाइन में जा कर के खड़े हो जाते हैं लाइन से। लोटस टेम्पल देखने के लिए पर्यटन यहाँ दूर दूर से आते हैं। इस लोटस टेम्पल के नाम पहले बहाई टेम्पल था। लोटस के आकार के बनाया गया इस मंदिर को फिर बाद में लोटस टेम्पल के नाम रखा गया और कमल मंदिर भी कहते हैं। यह बहाई समुदाय के लोग बनवाए थे, इसीलिए यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, अंदर जाकर के बैठ के 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर कर के मौन प्रार्थना होता है। वहाँ पर बोलना नहीं होता, किसी को फोन अलाउड नहीं होता, सब स्विच ऑफ होते हैं और प्रार्थना कर कर के बाहर राइट साइड से एक दरवाज़ा है उससे आकर के बाहर आ जाते हैं। टेम्पल को खास किस्म के पत्थरों से बनाया गया है कि देखने में दर्शनीय और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लाइन में लग जाने के बाद बताते हैं कि कैसे प्रार्थना करना है, मोबाइल सब अपने अपने स्विच ऑफ कर ले, ये चीज सब बताया जाता है। जो नियम है यहाँ का बताया जाता है कि अंदर के जाने के बाद न करे। अंदर जाने के बाद कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। पता ना उसमें रिकॉर्डिंग ना हो पाए, इसलिए मैं बाहर से कर लिया हूँ। ये देखिए मैं अंदर आ गया हूँ और ये थोड़ा सीन अंदर के मैं ले लिया था। फिर यहाँ से सभी लोग बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर के आप निकल करके नीचे आ सकते हैं, देख सकते हैं लोटस टेम्पल के चारों तरफ ऐसे तालाब जैसे बना हुआ है
कलरफुल पानी उसमें देखने में कितने अच्छे लगते हैं। यहाँ पर लोग आकर के अपने अपने सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और घूमते हैं।